बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक कहो या मैथमेटिकल रीजनिंग कहो उसके बारे में बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे आईआईटी जी मेन के लिए एग्जाम देते हैं। तो आज के एक वीडियो में आपको वन क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स, तो आप इस एक वीडियो के जरिए जो है आईआईटी जी मेन के एग्जाम में 4 मार्क्स पाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर में है क्वेश्चन वो सब आपसे सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग या कहो उसको मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक या रीजनिंग में ऐसे बातें तो बहुत सी है लेकिन जो वहां पे यूज है सिर्फ मैं उसी की चर्चा करता हूं। तो इसमें स्टेटमेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट को पी क्यू आर एस टी से डिनोट करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट के बारे में और सारी बातें हैं लेकिन आप सिर्फ अभी इतना जानो कि स्टेटमेंट को हम लोग पी क्यू आर एस टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पे भी 5 फॉर्मूले आपको, तो फॉर्मूले जो है वो समझ करके आपको आगे चलना है। तो ये 5 फॉर्मूले देखिए और इस 5 फॉर्मूले के जरिए आप जो है वन क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिव्स सिंबल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कनेक्टिव्स ये लिखेंगे एंड सिंबल में आप ये लिखोगे और इसको कंजंक्शन कहोगे और इसको आप डिसजंक्शन। इफ देन कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल नॉट निगेशन। तो इस सिंबल को आपको सिर्फ अभी अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए यहां ये सिंबल को आप कंजंक्शन, इसको आप डिसजंक्शन, ये कंडीशनल बाय कंडीशनल और ये निगेशन। तो इसको आप सिर्फ सिंबल को अच्छे से दिमाग में बैठा लें और देखिए किसका यूज आएगा, इसी पे आपका सारा सवाल होगा। देखिए पहला पॉइंट मैं आपको लिखता हूं पी कंजंक्शन क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसको अच्छे से देखना है कि P और Q दो स्टेटमेंट होगा, अगर दोनों ट्रू होगा तो उसका कंजंक्शन ट्रू होगा और अदरवाइज फॉल्स होगा। देखिए इसका अगर ट्रूथ टेबल P कंजंक्शन Q, देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के बारे में अगर लिखते हो तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स ऐसा हो सकता है,
फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू ऐसा हो सकता है या दोनों फॉल्स। और देखिए यहाँ कहा है कि P एंड Q बोथ आर ट्रू, देखिए P एंड Q बोथ आर ट्रू तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो इसको आप वही फॉर्मूला याद रखोगे कंजंक्शन में कि P एंड Q आर ट्रू देन कंजंक्शन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और इस ट्रू टेबल को आप वही फॉर्मूला याद रखोगे। इसी में देखिए सेकेंड के लिए अगर इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं तो P डिसजंक्शन Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P एंड Q बोथ आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब देखिए यहां पे आप ट्रुथ टेबल ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो देखिए ये तीनों आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसको भी बाय फॉर्मूला आप याद रखो, डिसजंक्शन में दोनों अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। चलिए तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पी कंडीशनल क्यू इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ P कंडीशनल Q, फिर आप P कंडीशनल Q ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखिए यहां कहा है कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, सेकेंड जो होगा वो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा अदरवाइज ट्रू होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, P कंडीशनल Q, एंड देखिए बाइकंडीशनल पी बाइकंडीशनल क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स अदरवाइज फॉल्स। बाइकंडीशनल में क्या होगा कि दोनों अगर ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। देखिए दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स। तो क्या कहा, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आप इसको अच्छे से याद रखिए, दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और निगेशन बिल्कुल ही आसान है, निगेशन पी इज ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स एंड निगेशन पी इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू। अब याद देखिए P निगेशन P, ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा और फॉल्स का निगेशन ट्रू होगा, तो ये तो आसान। चलिए तो ये पांच फॉर्मूला हो गया, ये पांचों फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हो तो बस एक क्वेश्चन आपका जो है वो आसानी से बन जाएगा। देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। राइट द ट्रुथ टेबल पी
कंजंक्शन निगेशन क्यू। तो देखिए यहां स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो आप यहां पे पी क्यू लिख दीजिए। देखिए यहां पे निगेशन है तो निगेशन क्यू लिख दिया, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, निगेशन क्यू। क्यू अगर ट्रू है तो निगेशन क्यू फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा। अब देखिए यहां की पी और निगेशन क्यू का कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में बताया आपको कि दोनों ट्रू तो ट्रू, देखिए यहां दोनों ट्रू, ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, आपको पूछेगा जैसे कि इफ P is true and Q is false, then P conjunction negation Q। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स। तो अगर आप ये ट्रूथ टेबल बना लेते हो तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा आप तुरंत उसका आंसर कर दोगे। अब आप यहां लिखोगे P true, तो देखिए P true कहां है, Q false, ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वह ट्रू आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में सवाल इस तरह से रहता है, तो उस सवाल को बनाने के लिए ये ट्रूथ टेबल का जो ये पांच फॉर्मूला है आप उसको याद रखिए, ट्रूथ टेबल बनाइए और वहां से आप आंसर कर दीजिए। चलिए देखिए एक आठ सवाल देखते हैं। जैसे देखिए आपको हमने कह दिया पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, चलिए इस पे भी निगेशन ही लगाते हैं, निगेशन पी, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। यहां स्टेटमेंट देखिए पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब देखिए निगेशन पी, तो पी का निगेशन, ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछता है आप उसको देखिए यहां से आंसर कर दीजिए। अगर जिसे हम कहें पी इज फॉल्स एंड Q is true, then negation P disjunction negation Q। तो देखिए P false और Q true, तो इसका आंसर false, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, false। तो इसी टाइप का सवाल रहता है, आप इसको अच्छे से देखिए। अब देखिए एक मैं तीन स्टेटमेंट वाला आपको देता हूं, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ P कंजंक्शन क्यू निगेशन या पे डिसजंक्शन दे दिया, निगेशन आर दे दिया। चलिए यहां पे देखिए तीन स्टेटमेंट है पी क्यू आर, तो जब ट्रूथ टेबल आप बनाओगे तो लिखोगे पी क्यू आर। तो देखिए यहां पे ध्यान देना है, जब यहां दो था तो जब यहां हम टेबल बना रहा था तो इसको टू का स्क्वायर, चार ये टेबल में आता था, अब यहां थ्री है तो टू का क्यू, एट जो है इसके कॉम्बिनेशन होंगे। अब इस कॉम्बिनेशन को ऐसा लिखेंगे ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखिए जैसे टी से स्टार्ट होने वाला अगर चार हुआ तो फिर एफ से भी स्टार्ट होने वाला चार होगा, जहां टी है आप वहां एफ लिख दीजिए और एफ को टी लिख दीजिए, एफ 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 टी, एफ टी टी, एफ टी एफ। चलिए इस टेबल को पूरा करें, पी
कंजंक्शन क्यू, इससे पहले थोड़ा निगेशन आर लिख लेते हैं, निगेशन आर पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर। जैसे देखिए ये आगे पीछे लिखने में कोई परेशानी नहीं है, पहले आप ये लिखिए या ये लिखिए, ये टोटल एच ही होंगे, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए निगेशन आर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। कंजंक्शन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू नहीं है अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे देखिए इस दोनों का डिसजंक्शन करना है, डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब देखिए ये ट्रू टेबल मेरा बन गया। अब यहां से जैसा जो सवाल कहता है आप आसानी से उसको निकाल लोगे, मेन चीज है ये ट्रू टेबल तैयार करना। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो ये आप 10-20 सेकंड के अंदर जो है आप ट्रू टेबल जो है बढ़ा सकते हो और जो सवाल होगा वहां से आप सॉल्व कर दोगे। चलिए देखिए आगे, जैसे कहता हूं निगेशन पी कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू। अब इसका ट्रूथ टेबल लिखना है। अब देखिए यहां पर दो स्टेटमेंट है, पी क्यू निगेशन पी, पी कंडीशनल क्यू निगेशन पी कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू। चलिए ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, निगेशन पी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। देखिए कंडीशनल ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर देखिए इस दोनों का हमको कंडीशनल करना है तो फर्स्ट में ट्रू देखना है, सेकंड में फॉल्स, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स एक भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये सारा आपका ट्रू आ गया। अब देखिए ये मेरा ट्रूथ टेबल बन गया। आप यहां से ध्यान रखोगे कि अगर किसी स्टेटमेंट का सारा रिजल्ट अगर ट्रू हो जाए तो उस स्टेटमेंट को हम लोग टॉटोलॉजी कहते हैं। तो ऐसा भी सवाल रहता है कि गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, तो टॉटोलॉजी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये लास्ट टेबल जो आएगा ये सारा अगर ट्रू हो जाएगा तो आप उसको टॉटोलॉजी कहोगे, अगर ये लास्ट टेबल सारा एफ हो जाए तो उसको आप कंट्राडिक्शन कहोगे। ये दोनों सवाल पूछता है, टॉटोलॉजी कंट्राडिक्शन, अगर ये सारा ट्रू तो टॉटोलॉजी और सारा अगर एफ आ गया तो कंट्राडिक्शन। तो यही टाइप का सवाल आपका जो है, एक क्वेश्चन आप हर एक साल देखते हो कि आपको आता है और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, तो ये सबसे पहले सवाल आपको बनाना चाहिए अगर ये पांच फॉर्मूला आपको याद है। तो अब आपका वर्क है कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लीजिए पहले इस पांच फॉर्मूले पर वर्क करके।